हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं स्वीडिश रेसिपी चमचम मिठाई। बनाने में बहुत ही आसान है और सभी की फेवरेट होती है, और हम आज इसको बहुत ही आसानी से तैयार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चमचम स्वीडिश बनाना स्टार्ट करते हैं। चमचम बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे एक कटोरी चीनी। आप कटोरी से, कप से या किसी भी चीज से मेजरमेंट कर सकते हैं। हमने चीनी को कढ़ाई में डाल दिया है, साथ ही हम डाल देंगे एक कटोरी पानी। गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी को घुलने देंगे। अब हम डाल देंगे लगभग 2 से 3 पिंच येलो फूड कलर। आप चाहें अपनी पसंद का कलर भी यूज में ले सकते हैं, पिंक, ग्रीन या ऑरेंज। चीनी भी घुलने को आ चुकी है, देखिए चाशनी में उबाल आने लग गया है। और हमें चाशनी को एक या दो तार की नहीं बनाना है, बस हल्का सा ही पकाना है। कलर आप अपने हिसाब से डार्क या लाइट भी कर सकते हैं। चमचम बनाने के लिए हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया है। देखिए, आपको पास से दिखा देते हैं, ऐसे बस चिपचिपा ही हमें बनाना है। और हमारा जो शुगर सिरप है चिपचिपा हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे, और शुगर सिरप को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। चमचम बनाने के लिए हमने जो शुगर सिरप तैयार किया है, इसको हमने बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक शुगर सिरप ठंडा हो रहा है, तब तक आइए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक बाउल, और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। ताजा दूध की मलाई है। मलाई के बाद हम लेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ हम 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। आप मिल्क पाउडर कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं या डेरी वाइटनर भी ले सकते हैं। लगभग छोटा 1 चम्मच के आसपास हम डाल देंगे इलायची पाउडर। अगर आप फ्लेवर पसंद करते हैं तो इलायची डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। लगभग 2 चम्मच के आसपास हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। लगभग 2 चम्मच के आसपास हम नारियल का पाउडर डाल देंगे, ये भी आप पसंद करते हैं तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। साथ ही हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कटे हुए काजू और पिस्ता। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, स्टफिंग के लिए हमारी जो मलाई है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है, पर ये अभी बैटर जो तैयार हमने किया है ये बहुत गाढ़ा है। इसमें हम लगभग 2 से 3 चम्मच दूध डाल देंगे। दूध भी हमने फ्रिज का रखा हुआ लिया है, मलाई भी फ्रिज में रखी हुई थी। हमें यहाँ पे गरम कुछ भी यूज में नहीं लेना है, सभी चीजें हमें फ्रिज में रख करके ठंडी कर लेनी है, उसके बाद में ही यूज में लेनी है। अभी हम लगभग 1 चम्मच दूध और डाल देंगे। देखिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसको भी 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे, ताकि हमारा शुगर सिरप भी बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए और स्टफिंग भी बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। चमचम बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 8 ब्रेड की स्लाइस। बड़े साइज की ब्रेड है। सबसे पहले हम ब्रेड को कट कर लेंगे। कट करने के लिए आप कोई भी कटोरी या ग्लास ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह की कटोरी ले रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे पीसेस कट कर लेंगे। देखिए, हमने सभी ब्रेड के पीसेस कट कर लिए हैं। आपको जिस हिसाब से जितनी क्वांटिटी में बनानी है, उस हिसाब से आप ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्रेड की 8 स्लाइस ली थी, और ये हमारी 4 चमचम बनके तैयार हो जाएंगी। शुगर सिरप भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, स्टफिंग भी हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। आइए अब हम चमचम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 1 चम्मच स्टफिंग ली है, और इस तरह से ब्रेड पर इसको हमने फैला दिया है। दूसरी ब्रेड स्लाइस लेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे। देखिए, अच्छी तरह से कवर कर देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम सारी ब्रेड स्लाइस तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 प्लेट में लगभग 1/2 कटोरी के आसपास नारियल का बुरादा लिया है। देखिए, इस तरह से हम एक पीस को उठाएंगे और जो हमने शुगर सिरप तैयार किया है इसमें इस तरह से डिप कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखें, शुगर सिरप बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडे सिरप में हमने इसको देखिए डिप किया है, और कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हो रही है। हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो निकल जाएगा। ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको इस तरह से सर्व कर देंगे।
देखिए हमने सभी पीसेस बना के तैयार कर लिए हैं और कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। आइए अब हम इसको सर्व कर देते हैं। हमने इस पे चेरी लगा दी है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, बादाम कट करके या काजू कट करके भी लगा सकते हैं। और साथ में हमने लगा दिया है थोड़ा सा कटिंग किया हुआ पिस्ता। देखिए फ्रेंड्स हमारी चमचम बिल्कुल रेडी है और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।